अभी हम बात करेंगे बीपीएससी की दो तीन ऐसे प्रमुख बिंदु, दो तीन मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार जो सोशल मीडिया है उस पर घमासान मचा है। आप सबको अभी याद होगा कि कल से एक पत्र जारी हुआ है, यानी सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है। कोई नवादा के रहने वाले कोई व्यक्ति है, उसने एक पत्र जारी किया है। उसने आर्थिक अपराध इकाई को एक चिट्ठी लिखा है। उस चिट्ठी के माध्यम से सब चीज़ों का उसने अवगत कराया है कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन पर उसने एक आरोप लगाया है। तो ये आरोप कितना क्या सच है या गलत है, इस पर जांच होनी चाहिए। परंतु आरोप के आलोक में जो आप विवरण अगर पढ़ेंगे, लगभग दो तीन पेज का एक पत्र उसने लिखा है और उसने कहा है कि वह बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद और उनकी पत्नी जो एक बैंक की अधिकारी है, दोनों ने मिलकर बीपीएससी में शिक्षक बहाली में लगभग 3.5 करोड़ के आसपास की रकम की उगाही की बात उन्होंने की है। और उन्होंने कहा है कि जो पैसे हैं उसके द्वारा आपको हम बीपीएससी में बहाल कर देंगे और अपने सगे संबंधियों या जो भी रिश्तेदार हैं सभी से उसने पैसे इकट्ठे करके उसने बीपीएससी चेयरमैन को कैमूर के किसी आदमी के द्वारा पहुँचाने का प्रयास किया, कभी फल फल के टोकरी में, कभी कार्टून में। और बीपीएससी की जब चेयरमैन की जब वाइफ से उसने मिलने गया तो उनके वाइफ नहीं उल्टे उसके ऊपर आरोप लगाकर उसको डरा धमका कर उस पर एफआईआर दर्ज करने की बात की और उस पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो ये काफ़ी गंभीर विषय है। आपको हम बता दें कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन को लेकर जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, क्योंकि TRE-1 और TRE-2 में भी जो शिक्षक बहाली के मुद्दे पर जो जो आरोपी है जो सामने आ रहे हैं, दोनों आरोपी विशाल चौरसिया और विजेंद्र गुप्ता, दोनों के बयान अगर आप देखेंगे तो उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि बीपीएससी के प्रश्न पत्र छपाई मामले में प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले उन लोगों को मुहैया कराया गया। और साथियों जो बातें अब आ रही है कि बीपीएससी के एक और बड़ा आरोप है। अभी कल आर्थिक अपराध इकाई को एक इनपुट एक लीड मिला है, उसने कहा है कि 67वीं पेपर लीक कांड में, आपको सबको याद होगा कि 67 पेपर लीक कांड में जिसमें रंजीत रजक और एक IAS की भूमिका पर जो सवाल था उसकी गिरफ्तारी भी हुई। और जो बातें सामने आ रही है कि लगभग 20 आरोपी यानी 20 जो पदाधिकारी हैं जो SDM से लेकर DSP और अन्य पदों पर बहाल हैं, जो नियुक्त हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उन सभी को नोटिस दिया गया है, सभी को जवाब देना है। तो आर्थिक अपराध इकाई ने 20 आरोपियों यानी 20 जो पदाधिकारी है उन पर सवाल के लिए, क्योंकि आपकी जो नौकरी है वो पैसे देकर यानी किन कारणों से आप बहाल हुए हैं, कैसे कैसे बहाल हुए हैं, सब मामलों की जांच चल रही है। तो दो प्रमुख बिंदु जिस पर आप स्पष्ट जान लीजिए कि ये जो चल रहा है लीक कांड से लेकर और 67 पेपर लीक कांड, उसके बाद TRE-1 से लेकर TRE-2 तक, इसमें अतुल प्रसाद की भूमिका पर सवाल था। और अतुल प्रसाद जी की भूमिका पर सवाल क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके रहते हुए दोनों फेज की बहाली हुई और दोनों फेज की बहाली में जो गड़बड़ी सामने आई है जिसमें कई ऐसे फर्जी वाले बहाल हुए हैं, CTET फेल, STT फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर डोमिसाइल। आज भी आपको याद होगा कि दो तीन दिन पहले औरंगाबाद के कई शिक्षकों को पर नोटिस जारी किया गया, क्योंकि उनके पास गलत प्रमाण पत्र था और उसके आधार पर वो नौकरी कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जिलों से जो सूची आ रही है, शिक्षा विभाग से, BPSC और सब जगहों से, इसमें स्पष्ट तौर पर ये बात अब सिद्ध हो गया है कि TRE-1 और TRE-2 दोनों में गलत लोग पैसे देकर बहाल हुए हैं, क्योंकि TRE-3 में जो भंडाफोर हुआ है और अभी तक आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी को जो नोटिस भेजा है, बीपीएससी के अधिकारियों से, पूर्व चेयरमैन से जो पूछताछ हुई है, क्या उसका जवाब अभी तक मिला है या नहीं मिला है, अभी तक इसका कोई न्यूज है जो है वो मामला प्रकाश में नहीं आ रहा है। परंतु जो मामले सामने आएंगे उस पर सब पर तहकीकात की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई बेशक आगे बढ़ रही है, परंतु TRE-1 से लेकर TRE-2 तक जब बातें सप्लीमेंट्री रिजल्ट से लेकर और कई मामले को लेकर दबाने का प्रयास किया गया, बीपीएससी खुद सामने कह रही थी, कई कई तरह के दार्शनिक तरीके से बात कर रही थी, यहाँ तक कि TRE-2 में धारा 144 लागू था कि बीपीएससी के पास कोई भी व्यक्ति, छात्र, स्टूडेंट, अभ्यर्थी प्रोटेस्ट ना करे, उनको दबाने का प्रयास किया गया था। और निश्चित रूप से बीपीएससी की कार्यशैली पर अब जो सवाल है, उस सवाल जो निशान खड़ा हुआ है, उसके तह तक जाने की बिल्कुल ज़रूरत है। और बीपीएससी पहले से कह रहा हूँ कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद की भूमिका बिल्कुल संदिग्ध है और उन पर जांच होनी चाहिए। और अभी जो मामला आया है जिसमें बात स्पष्ट हो गई है, हाँ ये पत्र जो है ये सही है गलत है, FIR दर्ज होनी चाहिए थी,
क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि इस पर पुष्टि आर्थिक अपराध इकाई या बिहार की स्पेशल टीम जरूर करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से सामने आ रही है बात कि उनकी और उनकी पत्नी द्वारा इस तरह की रकम की उगाही की गई और पैसे बदले में नौकरी दिया है, तो इस तरह की चीज़ें नौकरी देने के नाम पर जिस तरह की बातें हो रही है उसमें बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की भूमिका और सतसठवीं पेपर लीक कांड में के बाद जो 20 अधिकारियों की विभिन्न जिलों में तैनाती है उनसे पूछताछ के नोटिस दिया गया, तो दो मामले पर अभी बात बिल्कुल अब स्पष्ट तौर पर सामने आ गई है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है कि बीपीएससी में जो बहाली प्रक्रिया होती है उसमें किस प्रकार के सेटिंग और गेटिंग का खेल चलता है और किस प्रकार से भ्रष्टाचार का जो बात है, जो आरोप है, वो बिल्कुल अब अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार की कोई भी एजेंसी अब अछूती रह गई है जहां से इस तरह के करप्शन का जो चार्ज है उस पर न लगा हो। तो अभी आप इसको, ये इसके पहले भी याद हुआ कि केंद्रीय चयन परिषद के चेयरमैन एस के सिंघल जो राज्य के पूर्व डीजी रहे हैं उनके खिलाफ भी एक घंटे पूछताछ हुई है और उन्होंने इस बात पर कई चीज़ें ऐसे प्राप्त हुई है, लैपटॉप से लेकर डॉक्यूमेंट और कई चीज़ें, जिस पर ये बात अब संदिग्ध है कि 23,500 पदों की जो बहाली सिपाही भर्ती की आई थी उसमें से भी लगभग 10,000 पदों पर जो है वो पैसे के देकर लोगों को बहाली करने की बातें सामने आ रही है। तो अब बात है बिल्कुल कि आने वाले समय में आर्थिक अपराध इकाई को बिल्कुल उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि बीपीएससी से लेकर ईएयू को सारे चीज़ों पर, टीआर टीम थ्री में जो भंडाफोड़ हुआ और अब जो बातें सामने आ रही है कि अब जो है सो जून महीने में एग्जामिनेशन की भी तैयारी चल रही है, तो तैयारी एग्जामिनेशन की तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि तीसरे फेज के बहाली में मुख्य आरोपियों के द्वारा दिए गए बयान के बाद और जो बीपीएससी के अधिकारियों की भूमिका है, क्योंकि उनके बिना मिले भगत के ये संभव नहीं हो सकता है, तो सारी चीज़ों पर बिल्कुल तत्पर है, जो जाँच है उसको जाँच होनी चाहिए थी। परंतु अभी तक आर्थिक अपराध इकाई ने तीसरे फेज की बहाली पर क्या आगे तक जांच हुई है अभी तक कोई विशेष नहीं है, लेकिन 67वीं पेपर लीक कांड के जो 20 आरोपियों को नोटिस गया है उसके ऊपर जो जांच होने वाली है सबकी सूची आ जाएगी कि कौन कौन अधिकारी हैं। मुझे 20 अधिकारियों के नहीं है, मुझे लगता है कि 50% सीट ऐसे हैं सिविल सेवा से लेकर और शिक्षक बहाली में तमाम जगहों पर जो सीट पैसे देकर बेच दी गई, और जो बातें सामने आएंगी उस पर जो है पेपर लीक कांड में कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो पेपर लीक क्यों नहीं हुआ ये तो बात आप समझ लीजिए कि तीसरे फेज के बहाली में प्रश्न पत्र मुहैया कराकर हटवा कर और परीक्षा केंद्र पर लाने की व्यवस्था, पूरी समुचित व्यवस्था, इस तरह की चीज़ें थी, तो पेपर लीक कैसे हो पाएगा। तो सारी चीज़ें बिल्कुल अब खुल रही है और आने वाले समय में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और 19 तारीख आपको पता है कि 19 अप्रैल को TRE1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जो याचिका है CWJC 1151 इसकी सुनवाई होने वाली है, इसकी तीसरी सुनवाई होने वाली है और सभी अभ्यर्थी इस पर बिल्कुल निगाहों के साथ इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई फैसला माननीय उच्च न्यायालय छात्रों के पक्ष में करने जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग इंतजार करेंगे साथियों। धन्यवाद। जय हिंद।